राकेश भाई, ओ राकेश भाई। अरे सोहिल, तुम बाबा नहा रहे हैं, तुम बैठो, पानी पियोगे? हाँ। बाबा कह रहे थे कि तुम आजकल कुछ परेशान हो, कुछ खास बात है? नहीं, खास बात तो नहीं है, गांव में माँ की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है तो इसलिए पैसों की कुछ जरूरत पड़ गई। क्यों, क्या हुआ माँ को? माँ को बहुत दिनों से टीबी है तो इसलिए डॉक्टर ने तुरंत ही 20,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए बोला है। टीबी? तो अब तुम क्या करोगे सोहिल? थोड़े पैसे तो मेरे पास है, बाकी का मैं इंतजाम कर लूंगा। सोहिल, 5,000 रुपए तक तो मेरे पास है, तुम चाहे तो मुझसे ले लेना, जब होंगे तो मुझे वापस कर देना। तुम कितनी अच्छी हो ना आरती। इसमें अच्छे की क्या बात है सोहिल, ये तो इंसानियत होती है। तुम कल दोपहर में आना, आकर मुझसे पैसे ले जा लेना। और हाँ सोहिल, ये बात बाबा को पता ना लगने पाए, क्योंकि वो ये पैसे भी तारों में उड़ा देंगे। ठीक है आरती, कल मैं दोपहर थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर आऊँगा और तुमसे पैसे ले जाऊँगा। ओके। सोहिल, ये सामान लेकर तुम गुप्ता जी के पास जाओ, बाकी काम की चाल बनाकर मैं वहीं आता हूँ। ठीक है। यूं पीते रहोगे कि लड़कियों की शादी का भी सोचोगे? जैसे ऊपर वाला पीने के लिए देता, वैसे ही रिश्ते भी भेज देगा। हाँ, रिश्ते भी ऐसे आएंगे दारू के जैसे। भगवान, कभी तो चैन से पीने दिया कर, ना पीने देती है ना चैन से जीने देती है। हाँ, जैसे तूने मेरे को बड़ा आराम दिया है। तू जा अंदर से मेरे लिए पकौड़े लेकर आ बेसन के, चल जा। किचन में बेसन नहीं है, जाओ बेसन लेके आओ। बेसन नहीं है? क्यों नहीं है? सारा जब तेरे को पता है कि मुझे बेसन के पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो तू घर में बेसन क्यों नहीं रखती? साला, इस घर में कभी कुछ कुछ होते ही है साला। नमस्ते आंटी जी। आओ सोहिल, आओ बैठो, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आरती कह रही थी कि तुम अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हो। जी बिल्कुल, अगर बेटे ही माँ का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? बहुत ही अच्छे विचार हैं। आरती, तू इन्हें पैसे दे दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे ही राकेश भाई मुझे पैसे देंगे मैं उनमें से आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कल ही तो तुमने मुझसे बोला था कि जो पैसे हैं वो बाद में तुम लौटा देना। हाँ बेटा, पैसों तो गैरों को लौटाया जाता है, अपनों को नहीं। और आरती भी तो तुम्हारी अपनी है ना। अरे मुंह खोल के क्या देख रहे हो, आरती ने मुझे सब बता दिया है। आरती तुम्हें बहुत पसंद करती है और शायद तुम भी आरती को बहुत पसंद करते होंगे। पसंद तो बहुत करता हूँ, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, मैं मुसलमान हूँ ना। तो क्या हुआ, हो तो इंसान ही, और प्यार तो ऐसी चीज़ है कि इंसान को जानवर से भी हो जाता है, और तुम तो फिर भी इंसान हो। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों की शादी करा देती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और शादी के बाद तुम हमारे साथ रहोगे, लेकिन आरती के बापू के सामने तुम दूरी बनाए रखना। प्रिया, चल मसूरी चलते हैं। सर, आपकी जिंदगी में तो ऐश ही ऐश है, इसलिए आपको सब अच्छा अच्छा ही सूझता है। तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी नहीं, परेशानियां कहो, बहुत सी परेशानियां हैं। सबसे पहली तो ये कि आप मुझे शादी की तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो और शादी ही नहीं कर रहे हो। और दूसरा, बाबा हर टाइम नशे में डूबे रहते हैं, और दीदी ने तो माँ की रजामंदी से एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली है। बस इतनी सी बात?
इतनी सी बात आपके लिए होगी, इतनी सी बात मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। देख, कल मैं तुझसे कोर्ट में शादी कर रहा हूँ। मैंने रजिस्ट्रार से बात कर ली है। तेरे बाबा हम लोगों को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, तेरी माँ तो राजी है ना। और मेरी पुलिस में बहुत अच्छी सेटिंग है, तो तेरे जीजा को तो मैं किसी न किसी झूठे केस में अंदर करवा दूंगा। रही बात तेरे बाबा की, तो हरिद्वार में एक बहुत बड़ा काम छूटने वाला है। मैं वहाँ उन्हें ले जाकर पुताई का ठेका दिलवा दूंगा। इसी बहाने वो थोड़ा बिजी भी रहेंगे और उनकी दारू पीने की आदत भी छूट जाएगी। अरे वाह सर, आपने तो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने तो मेरी सारी परेशानियों का हल एक ही झटके में निकाल दिया। थैंक यू सर। ये सुहेल आजकल हमारे घर में क्या कर रहा है? मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मोहल्ले वाले का काम ही क्या है, बैठकर दिन भर बातें करते रहते हैं। सुन, वो किसकी मर्जी से रह रहा है यहाँ पर है? और वो लगता क्या है हमारा हु? तुझे पता है वो एक मुसलमान है, मालूम है, है? जानती है? तुम कान खोल के सुन लो, वो इस घर में मेरी मर्जी से रह रहा है। मुसलमान है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। अच्छा, सारे इंसान है तो सबको इकट्ठा करके अपने घर में रख लू क्या है? वो सब में नहीं आता, वो हमारा खास रिश्तेदार है। आरती और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए मैंने चुपचाप उनकी शादी करा दी। क्या शादी करा दी तूने मेरे से बिना पूछे? क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, फिकर मत कर, मैं संभाल लूंगी, तुम्हारा तो बाप ही ऐसा है। लो बाबा दारू तुम्हारे लिए। आ बैठ बेटा। आज किस खुशी में दारू पिला रहा? खबरें तो दो तीन हैं। चेस। पहले ये कि मैंने तुम्हारे दामाद को अंदर करवा दिया है क्योंकि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दूसरी, हरिद्वार में एक पुताई का बहुत बड़ा ठेका छूटा है जिसके लिए मैंने आपकी बात की है, जो आपको कल ही मिल जाएगा। तीसरी और सबसे आखिरी कि मैं आपकी छोटी बिटिया से शादी कर रहा हूँ। देख, पहली और दूसरी खबर तो ठीक है, तीसरी खबर गलत है, क्योंकि पसंद तो है तुझे भी नहीं करता। कोई बात नहीं बाबा, ये ठेका मिलने के बाद तुम खुद बखुद मुझे पसंद करने लगोगे। अरे देख ले, चल जा। बाबा, ये ठेका मिलने के बाद तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अभी कितना दूर होगा बेटा? बस थोड़ी दूर रह गया हरिद्वार। हेलो। हाँ प्रिया डार्लिंग, मैंने तुम्हारे बाबा को हरिद्वार में ठेका दिलवा दिया है। सच में? हाँ। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हो। जैन सर, सर इसके बाबा 5-6 दिन से गायब हैं। मैंने सारी डिटेल्स नोट कर ली हैं, लेकिन ये यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ओके। जैन सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम सुमित है, ये मेरी साली और ये मेरी सास है। सर इनके बाबा का 2-3 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा है। दरअसल मैंने ही उन्हें हरिद्वार में पुताई का ठेका दिलवाया था, बल्कि खुद ही मैं उन्हें वहाँ पे छोड़ के आया था। सर 2-3 दिन तक जब उनका कुछ पता नहीं चला तो इन लोगों ने सोचा फ़ोन ट्राई करें, तो वो भी स्विच ऑफ बता रहा था। सर उसके बाद मैंने खुद वहाँ जाके पता किया तो पता चला कि वो तो अगले दिन ही वहाँ से रवाना हो गए थे और अभी तक यहाँ पहुँचे ही नहीं। और सर एक बात और, वो अपने कपड़ों का बैग और मोबाइल वहीं छोड़ के चले गए थे। ठीक है,
हम अपनी पुलिस टीम भेज के तहकीकात करवाते हैं। और तुम एक काम करना, क्या नाम बताया तुमने अपना? सर मेरा नाम सुमित है। ओके, तुम भी हमारी पुलिस टीम के साथ चले जाना, ठीक है? तहकीकात करने में आसानी होगी। तुम उनके छोटे दामाद हो ना? जी मैं उनका छोटा दामाद हूँ। ठीक है, आप लोग जाइए, फिर जैसे जरूरत पड़ती मैं बुलाता हूँ, ठीक है? अरे यादव जी। जी सर। मैडम को बुलाइए। सर आपने बुलाया? हाँ मैडम, आप दिए गए एड्रेस पे जाकर तहकीकात कीजिए और फिर मुझे रिपोर्ट कीजिए। आपने उस आदमी की फोटोग्राफ वगैरह तो ले लिए ना? जी सर, मैंने उस आदमी की आईडी, फोटोग्राफ्स और इन सब की आईडी, फोटोग्राफ्स सब नोट करवा लिए हैं। ठीक है, ओके। आइए मैडम। मैडम राकेश को मैं यहीं लेके आया था, आपको जो पूछना है आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। नीरज, जो नीचे काम कर रहे हैं उनको भी बुला कर लाओ। आप लोग इस आदमी को भी जानते हो? हाँ जी मैडम जी, ये 4-5 दिन पहले यहाँ पर हमारे साथ में पेंट का काम करने के लिए आया था। इस आदमी को जानते हो? मैम ये तो एक दिन बाद ही यहाँ से चला गया था। क्यों? ऐसा है मैडम, ये कह रहा था कि लेबर कम है, लेबर बढ़ानी है, ये कह कर के चला गया। यादव जी। जी मैडम। इनके बयान नोट करो। हेलो। हाँ नमस्कार सर, पप्पू खबरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पप्पू खबरी। हाँ सर, वो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी ना मोहल्ले वाली, वो सारी ठीक है, लेकिन सर एक दाल में काला लग रहा मुझे। हाँ ठीक है, तुम कालेपन का पता करो। ओके पप्पू खबरी, ओके बाय। प्रदीप। जी सर। जरा मैडम से कह के वो जो आदमी गायब हुआ है उसकी बीवी को बुलवाओ। सर ये मैडम आ गई हैं। बैठिए मैडम, हम तो तहकीकात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं सर, मुझे तो किसी के ऊपर शक नहीं है। अपने दामादों पे? नहीं सर। और खास करके आपका छोटा दामाद? सर छोटा वाला दामाद तो मेरा बहुत अच्छा है सर। ठीक है, आपको किसी पे शक आए तो आप तुरंत हमें सूचित कर दीजिएगा। ओके सर। सर हमने लोकेशन पे पूछताछ तो की, लेकिन वहाँ पर सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि ये आदमी वहाँ तो आया लेकिन और लेवल लाने की बात कहकर वापस चला गया। देखिए केस इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, और मुझे लगता है इस केस में हमको बहुत से पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये बताइए, जब आप वहाँ गई थी तो आपको वहाँ कितने लोग मिले थे? सर वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमने पूछताछ 3-4 लोगों से ही की। और उन लोगों का क्या कहना था? सर उन तीनों का एक ही कहना है कि वो लेवल लेने जा रहा है और अपना सामान मोबाइल वहीं छोड़कर चला गया। ठीक है। यादव जी। नीरज। यस सर। साथ। आप दोनों उसी लोकेशन पर जाइए और जिन 3 आदमियों से आपने बात की थी उनको वापस थाने लेके आइए। देखो तुमसे जितना पूछा जाए उतना तुम बिना डरे सब कुछ सच सच बताना, क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ साहब। तुम्हारा नाम क्या है? सर हीरालाल। तुम राकेश को कब से जानते थे? साहब हम उस दिन पहली बार मिले थे राकेश जी से। जब वो वहां आया तो आप लोग क्या कर रहे थे? साहब हम लोग पुताई का काम कर रहे थे जब सुमित साहब राकेश को लेकर गए और उन्होंने बताया कि आज से हमारा नया ठेकेदार है। तो तुम तीनों ही एक साथ राकेश से मिले होगे? हाँ साहब।
जब राकेश वहां आया क्या वक्त रहा होगा? यही कोई 9:30 बज रहे होंगे साहब। उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद राकेश ने हमसे नाम पता पूछा और हम लोगों के साथ में काम पे लग गया। और सुमित? सुमित साहब तो बस उसे मिला करके चले गए थे। सच बोल रहे हो ना? हाँ साहब। ठीक है, तुम जाओ, दूसरे को भेजिए, जाइए। नमस्कार साहब। क्या नाम है तुम्हारा? साहब कृष्णा। जब राकेश वहाँ आया तुम तीनों वहाँ क्या कर रहे थे? काम? हाँ साहब। राकेश वहाँ कितने बजे आया था? साहब ये दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे का। जब तुम राकेश से मिले तो फिर क्या हुआ? साहब कुछ खास नहीं, दोपहर का टाइम था और खाने खाने का समय हो गया था, तो हम सब ने बाहर जाकर ठेले पर खाना खाया। और फिर सुमित साहब? उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और कुछ टाइम आराम किया और फिर चले गए। सच बोल रहे हो ना? हाँ साहब। सोच लेना। ठीक है, जाइए, तीसरे को भेजो। साहब एक आदमी और लाए हैं। कुछ हमारे काम का हो सकता है? जी साहब। ठीक है, इसके बाद उनको भी भेज देना। ठीक है साहब। नमस्ते साहब। क्या नाम है तेरा? साहब राम प्यारे। जब राकेश वहां आया तो क्या वक्त रहा होगा? साहब तकरीबन 11 बजे होंगे। 11 बजे? और उसके साथ कौन कौन था? साहब वो तो अकेला ही था और उसके साथ कोई भी नहीं था। उसने आकर के बताया कि सुमित साहब ने उसे भेजा है, क्योंकि ये पुताई का ठेका उसने ही लिया है। अरे उसके साथ सुमित साहब तो नहीं आए थे? नहीं साहब। ठीक है, आप जाइए। अच्छा साहब, नमस्ते साहब। अरे सुनो। जी सर। अब इस चौथे आदमी को भी बुलाओ। ठीक है सर। नमस्कार साहब। क्या नाम है तुम्हारा? साहब श्यामलाल है साहब। साहब मैं तो आपसे खुद मिलना चाहता साहब, ये पुलिस वाले तो मुझे कामा कामे उठा लाए। क्यों मिलना चाह रहे थे तुम मुझसे? साहब वो जो पुताई वाले हैं ना, जिनसे आपने बैन लिए, वो मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगते साहब, फर्जी लगते हैं मुझे। साहब उन लोगों का ना बड़ा उधार उधार चढ़ा हुआ है बनिए वनिए पे ना। और वो राकेश? राकेश कौन साहब? पुताई वाला। हाँ साहब वो तो बस एक ही दिन के लिए आया, शाम को आया और सुबह को चला गया। एक बार बताऊं, इन लोगों में सबसे सच्चे इंसान तुम ही हो। जी जी जी। जाओ। ठीक है सर। लाश के पास पहले कौन आया था? सर लाश के पास सबसे पहले मैं आया था और मैंने चादर डाली। हेलो। जय हिंद मैडम। ए ये स्टूल उठाओ, नीचे बिठाओ सालों को। नीचे बैठो, नीचे बैठो, चल चल चल। सर इन सब की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं, इन सब की लोकेशन वहीं की बता रही हैं, लेकिन सुमित की लोकेशन विकास नगर की बता रही है। देखो तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि तुम लोग अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो। नहीं साले। साहब हम सुमित को नहीं जानते थे, वो एक दिन आए और एक फोटो दिखाकर ये सब बोलने के लिए बोला। उसने तुम्हें पैसे भी दिए थे? हाँ साहब हम सबको पैसे भी दिए थे साहब। साहब सच बोल रहा है ना? हाँ साहब सच बोल रहा हूँ। ले जाओ इन्हें। साहब 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 नहीं साहब, नहीं साहब, माफ करो। सर आपने बुलाया? हाँ हाँ बुलाया है। बाबा का पता चल गया क्या? बिल्कुल पता चल गया। कहाँ है वो? कहाँ है? जहाँ तुम उन्हें छोड़ के आए हो।
सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब बहुत साफ है। देख सुमित, अब तू सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि तेरे फोन रिकॉर्ड्स भी हमारे पास आ चुके हैं, और तेरे फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से जिस दिन तू बाबा को हरिद्वार कह के ले गया था ना, उस दिन तू पूरे दिन विकास नगर में था। कहाँ छोड़ के आया उस बुड्ढे को? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। साले सच सच बता। सर सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर। दूसरी बात, जो तेरे आदमी थे ना पुताई वाले, हवालात में बंद है, सब कुछ सच सच बता दिया उन्होंने। यादव जी इंटरोगेशन रूम में ले चलो इनको। चल साले सच सच बता। साले सच सच बता। मैं सब कुछ बताता हूं। छोड़ दो। हाँ मैंने ही मारा बाबा को। क्या दुश्मनी थी उस बुड्ढे से तेरी? जब उनकी बेटी पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी तो मैं उसे घर छोड़ने गया था। मैं समझ गया था ये लोग गरीब तो हैं, लेकिन जहाँ लोग रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी की बहुत कीमत है। उस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक वो बुड्ढा ही था जो मेरे काम में रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा उसी को रास्ते से हटा देता हूँ। तो मैंने पूरा प्लान बनाया। बाबा ये ठेका मिलने के बाद तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अभी कितना दूर होगा बेटा? बस थोड़ी दूर रह गया हरिद्वार। क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रोक दी? बाबा एक फोन कर लेता हूँ। बाबा कॉल नहीं लग रही है। चलें। ठीक है। बाबा जितनी देर हरिद्वार आने में लगेगी उतना वक्त हम कहीं बैठ के दारू पी लेते हैं। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने बताया नहीं कि तू दारू लेके आ रखा। बाबा मुझे पता था कि आपकी फेवरेट है, इसलिए मैं साथ रख के लाया था। अरे वाह, चल चल बैठ के पीते हैं कहीं। बाबा यहाँ पास में एक लोकेशन है। अच्छा, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। अच्छा चल। बस बाबा यहीं पे है वो लोकेशन। अरे आओ बाबा, देखो कितनी प्यारी जगह है ना। हाँ प्यारी तो है, बहुत प्यारी है। पियो बाबा। बना मूड? बस मैं और बनाते हैं। ये तेरे नाम के पीस साले। पियो और जियो। बाबा वो प्रॉपर्टी तो आपकी अपनी है ना? हाँ वो प्रॉपर्टी मेरी है। मेरी है वो प्रॉपर्टी, क्यों? बहुत जल्दी मेरे नाम हो जाएगी। क्या? साले बुड्ढे, वो प्रॉपर्टी हो गया मेरे नाम और तू होगा गुमनाम। हाँ प्रिया डार्लिंग, वो मैंने तुम्हारे बाबा को हरिद्वार में ठेका दिलवा दिया है। हाँ। ओए, इसकी शक्ल को इतना बिगाड़ दे कि ऊपर वाला भी इसको ना पहचान पाए। साले तेरा अंदाज बता रहा है कि ये तूने पहली बार कत्ल नहीं किया है,
और कितने कत्ल किए हैं तूने? ये मेरी पहली शादी नहीं थी, इससे पहले भी मैंने दो लड़कियों से शादी की थी। एक के मौसा को और एक के दूसरे पति को मैंने मार दिया था। सबके अपने शौक होते हैं अमीर बनने के, लाइफ में मैं भी कुछ करना चाहता था। मेरे दोस्त सब आगे निकल गए थे, मुझे भी तमाम तमाम दौलत चाहिए थी। तो इसके लिए तू किसी की जान ले लेगा साले? जैसा बोया है ना, जा वैसे ही काट, ले जा इसे लॉकअप में।